How's it? इसमें ये वाला फूल है, इसमें ये वाला ना 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 अभी पानी दिया जा रहा है गमलों को। फूटा होगा ना, पूरा फूटा हुआ है। उधर धुआं किस चीज का है वो उधर? हाँ वो देखो कैसा अजीब सा धुआं है वहाँ पे। वो क्या चीज है? चुप रहो तुम फालतू। हाँ धुआं देखो कैसे है, अजीब सा। नहीं कुछ जलाया होगा पर ऐसे लेयर है, ऐसे 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 क्यों है वो? जैसा समटाइम ऐसे क्यों होता है? ऐसा नहीं होता। धुआं तो सीधा ऊपर जाता है पर वो ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी की छत होगी। देख लिया मैंने गुलाब का पुष्प। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ज्योति और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्योति क्रिएशन में। तो बस एज यूजुअल सुबह मॉर्निंग का रूटीन जो होता है घर में तो वही चल रहा है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई चल रही है तो मैंने सोचा फटाफट से वाइप कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। और इसी तरीके से मैंने देखिए बाहर भी पोछा लगा दिया इसी तरीके से। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं दाल के भरे हुए पराठे या रोटियां बोल सकते हैं। तो भाई जब घर आते हैं ना तो मतलब पराठे ना खाए तो क्या खाए, मतलब वो वाली बात हो जाती है। तो बस मैंने सिलवट्टा निकाल लिया है और दाल बॉईल करके रखी थी तो अब हम इसे पीस लेंगे और इसमें अच्छे से मसालों को भी अच्छे से पीस लेंगे और मस्त मस्त भर भर कर पराठे बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। आप सब बताना आप सबको कैसे लगते हैं। देखिए अब लहसुन, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, इस टाइप से मैं मसाले पीस लूँगी। और इसे भी जो मैंने अभी मसाला बनाया है ना, मतलब दाल को पीस के जो बनाया है स्टफिंग, उसमें ऐड करूँगी। और अपने मन के हिसाब से आप मिर्च थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो बस वही सब मैं फटाफट से प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है ये। तो स्टफिंग बना दी है और आटा गूंथ लिया था, तो अब मैं थोड़ा सा पहले चाय पी लेती हूँ और फिर बनाते हैं, क्योंकि बाकी अभी कोई रेडी नहीं हुआ ना, तो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अब मैंने चाय वगैरह पी ली है। अब मैं बनाने आ गई हूँ पराठे या रोटी, जो भी आप कह लीजिए, दाल के भरे हुए पराठे। तो बस इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और वैसे मैं पराठे नहीं बनाने वाली हूँ, रोटी ही बनाऊँगी, बिकॉज़ उसके साथ हम खूब सारा जो घी ऐड करते हैं और घी के साथ जब खाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है, तो बस वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो पराठे मुझे इतने पसंद नहीं आते, मुझे रोटियाँ ही अच्छी लगती है भर भर के बना के ना, और उसके साथ फिर हम घी ऐड करेंगे और मस्त मज़ेदार अचार के साथ खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही टेस्टी दाल की रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और बहुत ही यम बने थे यार, बहुत टेस्टी बने थे। घर में आए और दाल का पराठा ना खाया तो क्या खाया है, बनो हमारी फेवरेट दाल का पराठा। जब हम अपने मायके जाते हैं ना, तो वहाँ मैं मम्मी को बोलती हूँ तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में घी ना, आप और भर भर के बनाने में जो स्वाद है ना, मतलब आटा बाहर वाला आटा कम और मसाला ज़्यादा, जैसे ये देखो ऐसे, तब तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये रही स्टफिंग, और मैं पता भर भर के बना रही हूँ, देखो आप देख सकते हो कितनी बड़ा है ये, भर भर के। मुझे ऐसा पसंद आता है भर भर के। और इस तरह की इसे करिए, और ये देखो इसमें क्रैक्स भी नहीं आते, कितनी अच्छी बनी है। किसी को चाहिए होगा तो इसमें है, आपको भी चाहिए होगा तो ये रहा ना, मेरा तो होगा। इसने नहीं खाया ना कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर सभी ने खा लिया है ऑलमोस्ट, और मैं लास्ट में आई थी, और फिर मैं आप विहू को खिलाऊंगी और फिर तब मैं खाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी बने थे, सभी कह भी रहे थे। तो वो रहा विहू, और साथ ही गप्पे भी चल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 3 साल हो गए बीहू के होने के बाद नहीं गए, और मूवी देखने जा रहे हैं। ये और मैं ही जा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। और मम्मी ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती, वो मना ही कर रहे थे, तो बच्चों को दिखा नहीं सकते। तो आपको तो पता ही होगा हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो बस यही था। और खाना देखिए, मैंने यहाँ पर दाल बना दी है, तो चावल यहाँ पे रखे हुए हैं, तो सीटी मम्मी लगा लेंगी। और खा के हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि अभी नाश्ता किया था, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हैक्टिक सा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अब नहीं खाते, बाद में देख लेंगे, अगर कुछ मन करेगा तो आके खा लेंगे। तो बस यही है, तो चलिए फिर चलते हैं। ये सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ है, स्काई ब्लू कलर का, और ये एक न्यू इयररिंग से वो पहनी हुई। मैं रेडी हूँ, अब इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं मतलब मूवी देखने के लिए थिएटर में पहुंच गए हैं। बट क्या था ना, घर से थोड़ा सा दूर था तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेके चले थे, थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए थे और बहुत ही जल्दी पहुंच भी गए। हमें लगा नहीं था इतने जल्दी हम पहुंच जाएंगे, बट हम पहुंच गए। और उसके बाद हमने सोचा अब क्या करें भाई, इतने देर कहाँ बैठे रहे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तो काफ़ी देर हम उस रेस्टोरेंट में बैठे रहे और इनको और कुछ खाना था तो वो भी हम लंच करके नहीं आए थे, तो हमने यहाँ पर भी कुछ छुटमुटर सा खा लिया। बट बहुत ही प्यारी जगह थी। हाँ आपने तो खा रखे, सॉरी। मोमोज ले लो, आराम फरवाने आए हो। जगह अच्छी है पर कुछ नहीं लाई मैं आज। मैं कहा बच्चे नहीं साथ में था, लगा क्या करना। बस फ्रेंड्स, इतना छोटा सा व्लॉग। नेक्स्ट इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद को बिज़ी रखिए। बाय बाय।